अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीटर की रीडिंग कैसे की जाती है। जो मीटर रीडर आता है वो कौन सी तस्वीर हमारी खींच के लेके जाता है मीटर रीडिंग के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसके ऊपर देखें, ये पाँच लाइटें होती हैं। पहली लाइट होती है जो पावर की होती है, इसका मतलब है वापडा से हमारी लाइट आ रही है। जब लाइट हो तो ये लाइट ऑन रहती है या चलती रहती है। उसके बाद होती है लाइट, ये देखें, रिवर्स की। अगर हमारी ये तारें वापडा वाली राइट साइड पे लग जाएं और घर वाली जो तारें हैं लेफ़्ट साइड पे लग जाएं, तो इसका मतलब है ये तारें उल्टी लगी हैं और रिवर्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर ये लाइट रोशन हो जाती है। तीसरे नंबर पर ये लाइट है जिसके ऊपर 3200 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये लोड पर काम करती है। जब 3200 दफ़ा ये लाइट ऑन ऑफ होती रहती है, जब 3200 दफ़ा ये लाइट ऑन ऑफ होगी तो हमारा एक यूनिट पूरा हो जाएगा। किसी के ऊपर 1000 भी लिखा हुआ होता है और किसी के ऊपर 3200 होता है। ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है कि वो किस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद एक लाइट होती है एन मिसिंग, यानी न्यूट्रल मिसिंग। अगर हमारी न्यूट्रल मिसिंग कर रही हो या स्पार्क कर रही हो तो फिर ये लाइट रोशन हो जाती है। इसके बाद लिखा होता है यूज, यानी ये अर्थ का निशान बना हुआ है। अगर हमने अर्थ की कनेक्शन किया हुआ तो फिर ये लाइट रोशन हो जाएगी, यानी अर्थ का हमारे कनेक्शन भी अटैच है। उसके बाद ये हमारे देखें, इसके ऊपर परफार्मा बना हुआ है डिस्प्ले सीक्वेंस, यानी पहले नंबर पे है सीरियल नंबर। ये वाला जो हमारा मीटर का सीरियल नंबर होता है, तो एक नंबर पे यहाँ, यानी ये जो नंबर है ये पाँच दफ़ा चेंज होते हैं। पहले नंबर पर हमारा सीरियल नंबर आता है, जैसे ये देखें अभी ये सीरियल नंबर आ रहा है, एक नंबर पर हमारा सीरियल नंबर आता है। दूसरे नंबर पे होता है कि किलोवाट, यानी ये अब तक मीटर लग चुका है तो ये कितना यूनिट हमारा चल चुका है, ये देखें, इसका होता है किलोवाट, यानी जब से ये मीटर लगा है तो ये कितने यूनिट तक इस्तेमाल कर चुका है। और उसके साथ नीचे यहाँ पे एच प्लस लिखा हुआ होता है, जो भी हमारे यूनिट कंज्यूम हो रहे होते हैं तो फिर वो इसमें जमा हो जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्रीवियस मंथ, यानी हमारे पिछले महीने के जो यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं वो शो करता है कि हमने पिछले महीने कितने यूनिट इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रीवियस मंथ। जैसे अभी ये देखें दो नंबर है, अब इसके बाद आएगा तीन नंबर, तो ये देखें अभी तीन हो गया, इस पर प्रीवियस लिखा हुआ है, तो ये किलोवाट, यानी हमने पिछले दफ़ा कितने यूनिट कंज्यूम किए थे। इसके बाद होता है करंट मंथ, यानी इस महीने में हमने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, तो वो हमारे ये यूनिट शो हो रहे होते हैं। वो जो एच प्लस लिखा हुआ होता है उसमें हमारे यूनिट जमा होते रहते हैं, तो ये। इसके बाद होता है इंस्टेंट किलोवाट, यानी इंस्टेंट का मतलब होता है अभी हमारा इसके ऊपर कितना लोड है, कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, अब इस मीटर पर कितना लोड पड़ रहा है, तो इसका वो इंस्टेंट पे इसलिए वो शो करता है। अभी ये करंट यूनिट दिखा रहा है, इसके बाद ये देखें इंस्टेंट, यानी अब इस पे इसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। तो पहले नंबर में हमारा सीरियल नंबर आता है, बाद में हमारा किलोवाट, जो किलोवाट मतलब दूसरे नंबर पे जो ये हमारी ये वाली रीडिंग होती है, ये ही हमारा मीटर रीडर तस्वीर खींच के लेके जाता है और ये ही बिल के साथ अटैच होके आती है। तो इस तरह से हमारे ये इसकी रीडिंग की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी।